38 रुपीज़ का स्टॉक 70 रुपीज़ हो चुका, मतलब कि दोस्तों पैसा डबल से भी ज़्यादा। तो सरकार ने लिया है बहुत बड़ा फैसला 5 कंपनियों के ऊपर, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसमें 38 रुपीज़ का स्टॉक 70 रुपीज़ हो गया, और आपके सामने मैं अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट दिखा देता हूं। यहां पर देखिए 24 सितंबर को मैंने ये जो वीडियो है पब्लिश किया था। अब मैं आप लोगों के सामने जो है प्ले करके दिखाता हूँ। DAL भारत, देखिए ये स्टॉक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है यहाँ पर देखिए। हालांकि एक चीज मैं स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ, आज जब ये स्टॉक ओपन हुआ था तो 800 रुपीज के आसपास में ओपन हुआ था, और जो हाईएस्ट गया था यहाँ देखिए 850 के आसपास, और लोएस्ट गया था तो 890 के आसपास। इसमें देखिए स्टॉक का प्राइस बहुत बड़ा है, मतलब कि ये जो है स्टॉक का प्राइस 3 डिजिट में है, बहुत बड़ा है। जब ये फ्लक्चुएट करेगा तो बड़ा बड़ा फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि देखिए आज के डेट में देखिए 5% के जो है यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिखाया। अगर आप सर्विस लिए होते हमारे यहाँ से तो मैंने आपको ये स्टॉक के बारे में 2 दिन पहले ही बता देता, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही बता दिया जाता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करवाते हैं। तो देखिए यहाँ 39 पॉइंट प्लस 39.40 पॉइंट इसमें इंक्रीमेंट हुआ, हो सकता है अगर इसमें गिरावट हो, लेकिन किसी भी गिरावट में खरीद के चलना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला ये स्टॉक को किसी भी गिरावट में आपको खरीद के चलना है। किसी भी गिरावट में खरीद के चलना है। देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नींद भी आ रही है, फिर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दे रहा हूँ। और एक लास्ट ये स्टॉक SCI, ये स्टॉक देखिए ये स्टॉक 35 के आसपास में मिलता है, तो दोस्तों आपको छोड़ना ही नहीं है। वन मोर टाइम, अगर ये स्टॉक आपको 35 के आसपास मिलता है तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए जैसे ही स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट होती है, थोड़ी बहुत भी, चाहे जो भी आपको खरीदना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, थोड़ी बहुत गिरावट होती है, चाहे जो भी आपको खरीदना ही खरीदना है दोस्तों। शिपिंग कॉरपोरेशन SCI यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार और मैंने वीडियो में बोला था, 2 बार, क्योंकि मैं चाहता था कि सब लोग खरीदे ही खरीदे, ठीक है। एक बार और, चाहे जो भी हो, समझ में आ रहा है ना, 35 में अगर मिल गया ना तो सोने पे सुहागा, जो हिंदी में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वो हो जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक भी देखिए, ये स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत। तो देखिए ये स्टॉक को मैंने दोस्तों वीडियो कब अपलोड किया था, सबसे पहले मैंने आपको डेट दिखा दिया डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं 24 सितंबर को। और यहाँ देखिए आपके सामने SCI शिपिंग कॉरपोरेशन का चार्ट आपके सामने लगा दिया हुआ। यहाँ पर देखिए 24 सितंबर को मैंने ये बोला था स्टॉक खरीदारी करने के लिए दोस्तों, और ये स्टॉक जो था 38 रुपीज़ के आसपास में चल रहा था। उसके बाद देखिए 38 से 40 आया, और देखिए दोस्तों ये 70 रुपीज़ को जो है टच किया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए दोस्तों 69.51 अराउंड, देखिए 70 रुपीज़ को इसने जो है टच कर दिया है। तो मतलब कि दोस्तों ये जो स्टॉक है जिसमें पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया। और दिखाता हूँ दोस्तों, जो पहला स्टॉक बोला था डालमिया भारत करके यहाँ पर बोला था, उसमें भी देखिए प्रॉफिट है। आज जो इसने हाईएस्ट मारा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, 88.85 के प्राइस पे। तो देखिए दोनों में प्रॉफिट है। और ये देखिए दोस्तों, दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था जी इंटरटेनमेंट के ऊपर, और साफ साफ लिखा था कि इसकी स्पीड को पकड़ना मुश्किल है, दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको थंबनेल दिखा दिया, आपको टाइटल भी नीचे दिखा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए टाइटल भी दिखा देता हूँ, इसकी स्पीड को पकड़ना मुश्किल है। ये वीडियो मैंने कब बनाया था यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था 18 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो बनाया था। हालांकि दोस्तों इस वीडियो का क्वालिटी ख़राब था, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो समझ जाएंगे वीडियो को। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, यहाँ देखिए JEELJ एंटरटेनमेंट है दोस्तों। ये स्टॉक का, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्टॉक का जो करेंट प्राइस चल रहा है अराउंड 250 के आसपास चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, वीडियो क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि ये मान लीजिए कि ये कॉमेडी चैनल नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो कंटेंट आपको बताया जा रहा वो सही बताया जा रहा। आज के डेट में देखिएगा तो 5% की मतलब गिरावट है, और इसमें एक अच्छा मूवमेंट भी बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, खरीदारी करके चलना चाहिए, या बहुत लोग खरीद के फंसे हुए हैं, क्या उनको क्या करना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए, या फ्यूचर में जो है इसमें प्रॉफिट होने वाला है तो हमें प्रॉफिट के लिए रुकना चाहिए। यही देखिए दोस्तों, इसका जो चार्ट है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लो तो ये बहुत ज्यादा लोवेस्ट चला गया था, अराउंड जो है 200 को जो है ये टच करने वाला था, 200 अराउंड जो है 200 को ये टच करने वाला था। तो उसके बाद से देखिए दोस्तों, इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया, और अच्छा मूवमेंट के आने के बावजूद ये देखिए थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको अब यहाँ क्या करना है, देखिए दोस्तों मैं ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाने वाला हूँ, मतलब कि 2-3 मिनट की वीडियो ही बनाना चाहता हूँ। आपको पता है कि आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस
इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, जो लोग फंसे हुए मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उनको क्या करना है। दोस्तों आंख बंद कर लो, अपना दिल पे पत्थर मत रखना, कुछ नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक में आप बस इतना है, अपना नजरिया लंबा कर दो, आप अपना प्रॉफिट लेके जाइएगा यहाँ से, चाहे जो भी हो जाए आप अपना प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला चाहे जो भी हो जाए आप अपना प्रॉफिट यहाँ से लेके जाएंगे। दोस्तों ये मैंने वीडियो अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेट भी दिखाया। यहाँ पर देखिए 18 अक्टूबर को ये स्टॉक का जो प्राइस चल रहा था दोस्तों, ये 250 के अराउंड चल रहा था। और आज देखिए जी इंटरटेनमेंट का चार्ट आपके सामने जो है मैंने यहाँ पर देखिए लगा दिया है। 18 अक्टूबर को यहाँ देखिए इसका जो करेंट प्राइस था 250 के भाव पे चल रहा था दोस्तों। और देखिए थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, मैंने बोला था आपने दिल पे पत्थर नहीं रखना दोस्तों, आप यहाँ से प्रॉफिट लेके जाइएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 250 के उसके बाद यहाँ देखिए 355, मतलब कि दोस्तों 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, 100 पॉइंट का। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक था यहाँ पर देखिए, पहला जो स्टॉक था यहाँ पर देखिए दोस्तों, SCI शिपिंग कॉरपोरेशन, इसने आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा किया। ये स्टॉक में आपको 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मिला दोस्तों। और यहाँ पर जो मैंने स्टॉक बताया इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहां पर आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। आप हमारे पूरे वीडियो के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा सर्विस का नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है ऊपर में वो व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, सेकंड वाला देखिए दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है, हालांकि आप दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों हमारे जो भी सर्विस है वो पेड सर्विस रहते हैं। सो आई विल गो वन बाय वन टू नेम द कंपनीज for which this decision has been taken. Yes, Bharat Petroleum Corporation Limited, strategic disinvestment is approved. However, I'd like to underline the fact that a carve-out has been made. A carve-out has been made of Numaligarh Refinery Limited, which is in Assam. That shall not be disinvested. However, of course, it will be moved out of the BPCL before it is disinvested. And that shall be taken over by another of the public sector companies or whoever it is going to be within the government. It shall be retained by the government. When I'm talking of Bharat Petroleum Corporation will go for a disinvestment, I mean also entire management control will be transferred. So it's not strategic disinvestment of giving a couple of shares. No, entire management control also goes away. The second is Shipping Corporation of India. एक मिनट सर देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टॉक के बारे में मैंने पहले बताया था। अगेन दैट्स अ स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन वेयर गवर्नमेंट्स 63.75 शेयर होल्डिंग इन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अलोंग विद इट्स मैनेजमेंट कंट्रोल विल बी कंप्लीटली गिवन टू अ स्ट्रेटजिक बायर। थर्ड इज कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर, again strategic disinvestment of government of india shareholding of 30.8% along with the transfer of management control to a strategic buyer. The next is strategic disinvestment of government of india shareholding of 74.23% in the THDCI along with the transfer of management control to a strategic buyer, THDC India Limited, which is Terry Hydro Development Corporation India Limited. Terry as in Garhwal. If this shall be given to the identified CPSC, which is a strategic buyer, namely NTPC, in modification of the earlier decision of CCEA, which was taken in 2018 July. The next one is the Northeastern Electric Power Corporation Limited, NEEPCO. Here too, the strategic disinvestment of India government of India shareholding, which is 100% in NEEPCO, along with transferring the management control to NTPC again. NEEPCO, Northeastern Electric Power Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited minus Numaligarh. Numaligarh stays in public sector. Shipping Corporation of India Limited, Container Corporation of India Limited,
THDC, that is the Terry Hydro Development Corporation of India Limited, Northeastern Electric Power Corporation Limited, NEEPCO. तो ये था दोस्तों पांच कंपनियों पे बड़ा बयान, लेकिन मैं अब भी बताना चाहता हूँ कि जी इंटरटेनमेंट जिन्होंने अभी भी खरीदा है उनको बेचना नहीं है दोस्तों। आने वाले दिनों में ये आपको और भी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और दूसरा, SCI शिपिंग कॉरपोरेशन को दोस्तों ये मोनोपोली क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा झुका रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा SIP करके पैसा डबल हो चुका है, लेकिन अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर इससे भी अच्छा प्रॉफिट आपको करना है तो आप हमारा सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।